सोनी टीवी पर जल्द शुरू होने जा रहे हैं दो दो नए सीरियल्स और दोनों ही होंगे लव त्रिकोण और होंगे थ्रिलर। तो पहले बात सीरियल हासिल की, जिसके साथ छोटे पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं जायद खान और उनके साथ नजर आएंगे सीरियल में वत्सल और निकी। सीरियल में वत्सल जहां नजर आएंगे कभी रायचंद के रूप में, तो वहीं जायद निभाएंगे उनके बड़े भाई रणवीर रायचंद का किरदार, जो होंगे बड़े ही दिल पे। और इस सीरियल में निकिता निभाएंगी वकील आंचल का किरदार। भाई अब सीरियल में इनकी केमिस्ट्री कैसी होगी ये जानने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ कैमरे के पीछे इनकी केमिस्ट्री वाकई बड़ी मजेदार है। मैं हूँ निकिता दत्ता और इस वक्त मैं एक जन्नत में बैठी हूँ जहाँ पर दुनिया के मोस्ट हैंडसम मैन मेरे अगल बगल है। So meet Mr. Vatsal Seth and Mr. Zayed Khan. Sorry, I just want to say something. कि ये देखो बेटी अब लग रही है, फिर जब थोड़े बहुत रिंकल्स आएंगे फिर बहू लगेगी, अब इससे ज़्यादा रिंकल्स आएंगे फिर सास। तो I just praised you guys. Enjoy. I just called you the most handsome men and this is what I get to hear. क्या है ना कि जब तक हम मजाक नहीं उड़ाते ना तब तक हमें लगता नहीं कि हम निकी दत्ता से मिले हैं। तो ये है बहुत मतलब डिसिप्लिन किस्म की औरत, यू नो मिलिट्री स्टाइल जो है ना, औरत सॉरी बेटी लड़की, यू नो ऑनेस्टली आपने मुझे एक बहुत ही स्ट्रेसफुल पोजीशन में डाला है, क्योंकि एवरी टाइम आई एम सिटिंग बिटवीन दीज टू और विद देम आई नो देयर इज समथिंग नास्टी दैट्स गोइंग टू कम फ्रॉम बोथ द साइड्स। एंड ये जो वत्सल है जो आपको आपको बहुत क्यूट दिख रहा है, हम लोग स्ट्रेस हो जाते हैं कि हम लोग दोनों स्लाउच करते हो, ये अपराइट हम लोग को टेंशन है इनको देख के हमारी भी पीठ। निकी दत्ता ना एक ऐसे इंसान है ना जो मतलब योगा पोजीशन में कंफर्टेबल वे भी मैं अगर बैठना चाहती है वो लेटना चाहती है तो योगा पोजीशन में लेटती है, यू नो। तो हम लोग को इतना बुरा लगता है कि हम लोग इतना ख़राब लगते हैं इसके सामने कि हम लोग को थोड़ा ऊंचा बैठना पड़ता है। अभी एक मिनट, मैं आप शायद जानते नहीं हो कि आप सबको लगता होगा कि निकी दत्ता इतनी लंबी है ना, ज़रा यहाँ पर देखिए ये 6 इंच वाले हील्स देखिए, माँ बेटी और बहू ओके ये जो है ना ये बहुत तोप है, ये पर्पसली सबके सामने हमें छोटा लगने के कारण ऐसे ये पहन के आई है, वरना मेरा कोई स्कोप नहीं है। हाँ और वत्सल बोल रहा है तू आ गया ऐसे मैं भी छोटा लग रहा हूँ इसके सामने। This is what I get for calling them the most handsome men. ये मिलता है मुझे, ये मिलता है मुझे। It's okay. हम लोग ब्लश करते हैं आज भी। जब भी निकी दत्ता सेट पे आती तो हम निकी दत्ता। ऑटोग्राफ। इतने घंटे साथ में बिताना पड़ता है कि if you don't like, get lost. I don't know what to say now. Zayed is making me run out of words. But all I'm going to say is ki Zayed, quiet now, please. It's just that I think hum log bahut fortunate hain ki ek bahut acha bond develop ho gaya hai teenon ke beech mein shuru se hi. And we spent some good 2 months shoot karte hue. To abhi tak bahut badhiya raha hai. I'm just hoping aage sab badhiya chale. Ye news nahi hai, ye interview hai. कुछ मतलब जाती मामला कुछ जो है ना जो है कुछ बताओ कि सेट पे क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं विनती करता हूँ आप सबसे कि ये जब फॉर्मल हो जाती है ना तो ज़रा आप टेलीविज़न से दूर रहिए, क्योंकि ऑल ओवर सडन ना वो सल्यूट पे आना पड़ता है वहाँ पे, यू नो अटेंशन सल्यूट। तो ये जो है अच्छा, ये मैं इनकी खाने की आदत बताऊँ तो निकी दत्ता एक ऐसी लड़की है हाँ जो दिन में वो 4 अखरोट खाएगी, 5 किशमिश, 5.5 किशमिश और चॉकलेट भी खाएगी तो मतलब 25 ग्राम्स अच्छा 5 ग्राम्स वो जो भी है अभी हम तो मतलब भूल ही गए कि क्या है। और एक वक्त ऐसे था कि वो चीज़ खा रही थी ओके okay, हम सबको भूख लग रही थी उस वक्त ओके okay, तो हमने कहा कि यार निकी ज़रा वो एक बाइट देना चीज़ की प्लीज़ क्योंकि हमें भूख लग। तो वो मुझे ऐसे देख के बोलती मैं तुम्हारे लिए और मंगवाऊँ, ऐसा क्यों बहुत है इसमें, नहीं ये मेजर्ड है मुझे ये खाना ही पड़ेगा। ऐसे ये
कौन सा सलूक है यार, मतलब तू कहाँ से आती हो, मतलब शेयर भी नहीं करना चाहती? नहीं नहीं मैं मंगवाती हूँ और तुम्हारे लिए, लेकिन मैं इसमें से नहीं दे सकती यार, कंजूस मक्की चूस, यू नो ये जो है ना, मतलब एक ये जो भी इसके साथ मतलब शादी करेगा ना, फिनिश्ड फिनिश्ड, रोज सुबह अटेंशन स्टैनिटीज करना पड़ेगा ब्रश करते समय। Get married, please. ये interview, whenever I get married, ये interview जरा online से हटा देना, please. Just telling you right now only. Why can't you say I'll change? Why do I change? I mean, hello man, why do I change? Vatsal के बारे में बात करते, बोल बोल. Oh yes, why are we forgetting Mr. Vatty here? See, they can't really talk much about me because I'm very boring. मैं parties होती है, हमारी rap party होती है, मैं suddenly भाग जाता हूँ, ये लोग ढूंढ रहे कहाँ है कहाँ है, मैं भाग जाता हूँ. So I don't know, और मैं क्या करता हूँ वहाँ पे जाके फ्लूट बजाता हूँ. ये इंग्लिश में एक कहावत है जो वत्सल वाले लोगों को क्या कहते हैं ना, स्मूथ क्रिमिनल, यू नो जो मस्का वाला आदमी है ना, मतलब ये इतना इतना मतलब मैं क्या कहूँ, इतना स्मूथ है हर चीज़ में ना, मतलब कहता कुछ और है करता कुछ और है. हम लोग बोलते हैं कि वत्सल चल यार, चल जाके कुछ खाते हैं, चल एक ग्लास वाइन पीते हैं, यू नो वत्सल बोलेगा हाँ हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं यार, कोई व्हाट, अच्छा सॉरी वो वाइन नहीं पीती है, सिर्फ डाइट कोक. हम मैं बहुत बुरा हूँ, आई एम सॉरी, यू नो. लेकिन वत्सल एक बहुत ही स्मूथ, देखो देखो अभी भी जब वो ऐसे कर रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि वो जंगल बुक का शेर खान. This chocolate boy looks, na, underneath it all, there's something else. So Haasil is a love triangle with a twist. It's a thriller. So usually, jo love triangle hote, for example, one of the most famous is Sajan, but that's out and out love story. So this is a thriller. So the backbone is a love story, but it's a thriller. Every episode, har episode mein kuch naya ho raha hai. It's very very pacey, aur हर एपिसोड के एंड में जो हुक पॉइंट है वो ऐसा हुक पॉइंट है कि आपको लगेगा कि यार अगला एपिसोड अभी देखना है. सो हासिल इज ऑल अबाउट दैट. मेरा किरदार कबीर रायचंद का है. कबीर रायचंद इज़ अ वेरी फ्लैम्बॉयंट गाय, वेरी आउट गोइंग. ही इज़ बेसिकली वेरी नॉटी ब्रैट एंड इम्पल्सिव है. वो काफ़ी सारी चीज़ें वो कर देता है और फिर सोचता है यार ये मैंने क्यों की. सो ही समझ नहीं लगता. एंड लॉट ऑफ पीपल से कि यार क्या ये नेगेटिव है. नहीं, नेगेटिव नहीं है. इज़ अ वेरी वेरी क्लीन गाय, क्लीन फ्रॉम हार्ट. नहीं, मेरा किरदार एक वो रणवीर रायचंद है. वो एक बहुत ही श्रूड और बहुत ही कैलकुलेटिव, और वो जब गेम खेलने निकलता है ना तो वो गेम सेट करता है, और मतलब उसका अंत भी सेट करता है, उसका शुरू भी सेट करता है. वो ऐसे किस्म का एक इंसान है. हालांकि शायद हर दिन ऐसे लोग मिलने, मतलब आप मिलते नहीं होंगे उसे, क्योंकि ऐसे वो बहुत अजीब और गरीब किस्म के लोग होते हैं. लेकिन कैरेक्टर खेलने के इस पर मुझे लगा कि यार यू नो इट्स सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. इतनी मतलब लेयर्स है इस कैरेक्टर के कि हर सुबह मैं उठता हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि यार ये सीन कैसे करूँ, क्योंकि यू नो कहते हैं यू नो यू हेट टू लव दिस कैरेक्टर. तो आई होप कि यू हेट टू लव दिस कैरेक्टर, क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि मैंने अपना काम कर दिया. यू नो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, और ऑफकोर्स आंचल से प्यार करता है, कबीर उसका भाई है, और एक ऐसी सिचुएशन है जो यू नो जब दो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से एक ही लड़की से प्यार करते हैं तो आपको पता ही होगा कि किस किस्म की यू नो तूफान या भूकम या जो भी है यू नो ना. तो दैट्स द ट्रूथ. और यू नो ऑनेस्टली अगर हमारे पास ये यू नो इस किस्म की दोस्ती नहीं होती तो बहुत बहुत मुश्किल होता था ऐसे कुछ निभाने, क्योंकि इसको एक कंजर्वेटिव और एक सही तरीके से भी निभाना एक बहुत यू नो एक फैक्ट है, एक इट्स इम्पोर्टेंट टू डू इट लाइक दैट. मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से कि मुझे ये मौका मिला है, और हालांकि बहुत मजदूरी है टेलीविज़न में, फिल्म जो है वो हॉलीडे है और टेलीविज़न मजदूरी है, लेकिन इससे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है. आपको आप अपने कला को और बढ़ा सकते हो इस मीडियम में. लेकिन जो भी न्यू कमर्स है और टेलीविज़न में जाते हैं तो मुझे लगता है कि
मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए, क्योंकि उनको बहुत कुछ समझना पड़ता है बहुत जल्दी, और शायद उसका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आ सकता है उस पर. बट थैंक यू वेरी मच कि आप हमें ये मौका दिए कि हम आपके इस शो पे आए और हमारे शो के बारे में बात करें. और ज़रूर देखिएगा हासिल 30 अक्टूबर 9:30 बजे सोनी टीवी पे.